कि मैम इंग्लिश कैसे बोले, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं बोल नहीं पाती। तो होता है नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना, उन्हें हिंदी भी ठीक से बोलने नहीं आती, तो वो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में उन्हें ही इंसिस्ट करते हैं कि आप हिंदी में बोलिए। इवन साउथ इंडियन पीपल दे आर आस्क, लोग पूछते हैं हमें एक सेट आंसर फ्रेम करके दे दीजिए, वो हम रट लेंगे, याद कर लेंगे, फिर जा करके। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आयत, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो काफ़ी टाइम से जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी, फाइनली मैंने सोचा कि आज वो शूट करते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश बोलना कैसे सीखे। बहुत सारे वो सवाल जो आपने कमेंट्स में किए थे वो मैंने आज फाइनली इस वीडियो में सोचा कि आंसर करूं, जैसे कि आप इंग्लिश ही बोल सकते हैं या नहीं इंटरव्यू में, और कौन सी लैंग्वेजेस है जो आप बोल सकते हैं, इंग्लिश ही क्यों ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स डाइव इन। अगर आपने ये सवाल कमेंट बॉक्स में पूछा है कि मैम इंग्लिश कैसे बोले, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं बोल नहीं पाती, ये सारे सवाल जब आपने लिखे हैं तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप हाफ वे इंग्लिश लिखना बोलना समझना जानते हैं, और बोलना ही आपकी दिक्कत है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। अगर आपको लगता है मुझे बिल्कुल इंग्लिश ही नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश ट्यूशंस पहले लेने चाहिए। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करेंगे, फोकस करेंगे कि इंग्लिश बोलना कैसे है, क्या टिप्स और ट्रिक्स है, किस तरह से हम बेहतर आंसर कर सकते हैं अपने इंटरव्यूज़ में, ठीक है। और ये मैं थोड़ा सा कैबिन क्रू ओरिएंटेड बता रही हूँ, तो इसमें तीन चैप्टर्स हम कवर करेंगे। एक तो ये कि आपके FAQs, दूसरा ये कि क्या हमारी मिथ्स है, क्या फैक्ट्स है, किस तरह से आपको इंग्लिश बोलना डिकोड करना है, और तीसरा होगा आपका होमवर्क। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, बिकॉज आपको सारी हेल्प मिलती रहेगी। अब तो सबसे पहले मुझे इस बात का जवाब देना है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं इंग्लिश या हिंदी, तो पहले ये समझ लीजिए कि इंडिया में दोनों ही लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी इंग्लिश लिखना बोलना पढ़ना, और फिर हिंदी जो कि लिखना बोलना होता है। तो बात यह है कि आपको हिंदी डेली नहीं लिखनी होती, बट इंग्लिश डेली लिखनी होती है, और बोलना तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब बात आती है कि इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होता है। यहाँ पर ना थोड़ा सा स्मार्टली लोग इंटरव्यू लेते हैं। इंग्लिश तो आपको नॉर्मली बोलनी ही है आपके इंटरव्यू में, हिंदी में आपकी इंटरव्यू होती नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट्स जो है हिंदी में होती है, तो वो आपको कई बारी हिंदी भी कहने बोलते हैं। जैसे कि वो अगर आपको देखेंगे कि आप, मान लीजिए उन्हें फील होगा कि आपको हिंदी नहीं बोलने आती है, तो वो इंटेंशनली आपसे सवाल हिंदी में करेंगे। क्यों? ताकि वो ये जान सके कि आप हिंदी बराबर से बोल सकते हैं या नहीं। अगर उन्हें महसूस होगा कि आप इंग्लिश ठीक, हिंदी ठीक से बोल सकते हैं, इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो आपसे इंटरव्यू वो इंग्लिश में करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होता है वो इंग्लिश में ही इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। सो एक टर्म है MTI, चल के देखो वो कहाँ रह गए और मैं कहाँ पहुँच गए, यानी कि मदर टंग इन्फ्लुएंस। यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए मैं गुजरात से हूँ, तो जब मैं बात करूँगी तो बहुत बारी ऐसा हो सकता है कि मेरी एक टोन में ना गुजराती सा साउंड करेगा। अगर मैं पंजाब से हूँ तो नेचुरली मेरी टोन पंजाबी साउंड करेगी, साउथ इंडिया से हूँ तो उस तरह से साउंड करेगी। तो इंग्लिश काफ़ी न्यूट्रल लैंग्वेज है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो वो साउंड भी ऐसे करने लगता है कि यू नो इट्स नॉट इंग्लिश एनी मोर, इट्स मोर लाइक हम कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, या फिर हम बोल भी नॉर्मली रहे होते हैं पर वो वैसे साउंड नहीं करती। तो एक ये चीज़ वो चेक करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं या आप हिंदी बोल रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना, उन्हें हिंदी भी ठीक से बोलने नहीं आती, तो वो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में उन्हें ही इंसिस्ट करते हैं कि आप हिंदी में बोलिए। इवन साउथ इंडियन पीपल दे आर आस्क्ड टू स्पीक इन हिंदी। क्यों? क्योंकि वो एक क्राइटेरिया है, क्योंकि हिंदी एक हमारी भारत की भाषा है, और आपके सारे अनाउंसमेंट्स आपको बोलने हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ये दो लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद ये आता है कि कई राउंड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको एक छोटी सी टेस्ट दी जाती है इंग्लिश की, वहाँ पे आपकी रीडिंग और राइटिंग और
सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट करते हैं। तो ये सारी क्राइटेरियाज हैं जो कि काफ़ी बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ही लिटरेचर पढ़ना है या बहुत ही हाई फाई इंग्लिश बोलनी है, या जैसे होता है ना लोगों को लगता है कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है और जो नहीं बोल पाते हैं तो वो शायद कभी बन ही नहीं सकते। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज और आप उसे सीख सकते हैं बोलना, और जब आप सीखना बोल जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही नॉर्मल होगा, ठीक है। इसे बस एक क्राइटेरिया की तरह देखो, इसे इस तरह से मत देखो कि ये इम्पॉसिबल है होना। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड चीज़ की तरफ। एक और बहुत ही रिलीविंग सी न्यूज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि देखिए, अगर आप इंग्लिश बोल पाते हैं और अगर आप हिंदी नहीं बोल पाते ना, तो इतनी भी बड़ी डील नहीं है कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लक कि अगर इंटरव्यूअर को ऐसे पसंद आ गया है कि हाँ आपने बाकी सारी चीज़ें ठीक की हैं, हिंदी भी बोल पाती हैं बट थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो वो आपको पर्सनल डेवलपमेंट राउंड में भेजते हैं, यानी वो आपको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो डायरेक्टली आपको कंफर्मेशन लेटर नहीं प्रोवाइड करते। वो आपको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है जो कंपनी खुद देती है कि 1 month या 15 days, जो भी अभी मुझे नहीं पता कितने डेज है, बट पहले ऐसे होता था कि कुछ लड़कियों को वो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भेजते थे जहाँ पर वो उनकी इंग्लिश, उनके बेसिक्स और हिंदी और उसके बेसिक्स और काफ़ी दूसरी चीज़ों को वो ठीक करते थे। एंड देन दे यूज़ टू गिव द ऑफर लेटर, क्योंकि उसके बाद भी एक इंटरव्यू होता था, लाइक एक फाइनल राउंड, और उसके बाद जो आप सिलेक्ट होती थी। और हिंदी कैसे बोलें, मुझे ऐसे लगता है कि आई नो दैट आप हिंदी बोल सकते हो बट कुछ वो भारी भड़कम शब्द नहीं बोल पाते हिंदी के, तो टिपिकली जो अनाउंसमेंट्स है ना वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसे बोलना शुरू कीजिए, या फिर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, और अगर हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पहुंच पा रहा है आप गूगल पे ही हिंदी की कोई आर्टिकल पढ़िए और इंटेंशनली बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कीजिए। जैसे अगर आपातकालीन वर्ड है तो ये आपातकालीन स्थिति, लाइक एमरजेंसी इज़ द मीनिंग। तो जिस तरह से मैंने बोलना सीखा, ये काफ़ी प्रैक्टिस के बाद था, मैं अभी इतनी अच्छे से बोल नहीं पाती थी, और मैंने सोचा कि ना मैं आपको एक छोटा सा ऑडियो प्ले करके सुनाऊँ जो कि कुछ इस तरह से है, एंड देन यू कैन मे बी ट्राई इट योर सेल्फ। नमस्कार देवी और सज्जनों, नई दिल्ली की इंदिरा गांधी हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और विमान के पूरी तरह रुक जाने तक अपने स्थान पर बने रहें। अपनी सुरक्षा के लिए अपने मोबाइल फोन्स का प्रयोग न करें। ऊपरी सामान कक्ष को खोलते समय सावधानी बरतें। आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रही। हमारे साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। सो हियर आई वांट टू टेल यू इज कि अनाउंसमेंट दोनों लैंग्वेज में होती है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, तो दोनों ही लैंग्वेजेस को हमें मास्टर करना है और सेम टेक्निक दोनों के लिए होगी। आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप हिंदी किस तरह से बेटर कर सकते हैं, बट मुझे लगता है आपको अनाउंसमेंट्स के थ्रू ही हिंदी बेटर करनी चाहिए, अदरवाइज़ तो मुझे पता है आप हिंदी बोल ही लेंगे। अपने MTI को कैसे निकालना है तो वो सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस से ही होगा। ट्राई टू मेक योर प्रोनंसिएशन मोर न्यूट्रल, और ट्रस्ट मी ये पॉसिबल है। काफ़ी लड़कियाँ आती है जो जिन्हें काफ़ी टाइम लगता है बट सुनते सुनते बोलते बोलते हो जाता है। कान में ईयरफोन्स लगा लो, बोलना प्रैक्टिस करो, ठीक है। गुड मॉर्निंग, आर यू कंफर्टेबल विद इंग्लिश और हिंदी? थैंक यू। एज यू आर सीटेड नेक्स्ट टू एन एमरजेंसी एग्जिट, वुड यू बी विलिंग टू ओपन दिस एग्जिट इन केस ऑफ एन एमरजेंसी? ओके, द इंस्ट्रक्शन टू ओपन दिस एग्जिट इज प्रिंटेड हियर। प्लीज रिमेंबर, ओनली ओपन दिस एग्जिट व्हेन यू हियर द कमांड, पैसेंजर्स इवैक्यूएट इवैक्यूएट इवैक्यूएट। कृपया ध्यान दीजिए, मौसम खराब होने की संभावना के कारण कप्तान ने कुर्सी की पेटी बांधने के संकेत ऑन कर दिए हैं। यात्रियों से निवेदन है कि वे अपने स्थान पर लौट जाएं और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। धन्यवाद। मिथ्स और फैक्ट्स। मिथ ये है कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आप रट्टा करके जब आंसर जाएंगे अपने इंटरव्यू में तो आप क्लियर कर लोगे। चमत्कार का मतलब मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे। या फिर मैंने बहुत बारी देखा है कि लोग पूछते हैं हमें एक सेट आंसर फ्रेम करके दे दीजिए, वो हम रट लेंगे, याद कर लेंगे, फिर जा करके बोलेंगे। फैक्ट ये है कि आपको सिर्फ समझना है और आपके माइंड में पहले बोलना है, यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं बात कर रही हूँ तो जो मैं कह रही हूँ वो मेरे माइंड में मैं हिंदी में ही सोच रही हूँ,
और अगर मुझे इंग्लिश बोलना होगा तो वो मेरे माइंड में पहले ही इंग्लिश में आ जाएगा, यानी कि आई डोंट हैव टू स्ट्रेस मच अबाउट इट, आई विल नेचुरली स्पीक इन इंग्लिश. और अगर मुझे हिंदी में स्पीक करना है यानी हिंदी में बोलना है तो मैं हिंदी में बोलूँगी. मुझे रटने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आंसर्स फ्रेम करके याद करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये बात को दिमाग में टाइट कर लो. तो ये पहली चीज़ थी. तीसरी चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं कि हम इंग्लिश सीखे कैसे. अब मैं पहले क्लियर करना चाहूँगी कि ग्रामर, प्रोनंसिएशन, जो भी इंग्लिश की डिटेल्स हैं, इफ़ यू थिंक कि आपको कुछ भी नहीं आता है, प्लीज़ गेट अ ट्यूशन टीचर फॉर इट, या फिर आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, ऐप्स हैं. लेकिन मैं यहाँ पर सेल्फ़ टीचिंग की बात कर रही हूँ कि आप खुद से इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं बिना किसी दूसरे की मदद लिए. तो तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जो हमें चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ टीचिंग और एक है हमारा ChatGPT. ये तीन ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हमने इसे ठीक से क्रैक कर लिया ना, तो ना केवल हम इंग्लिश सही से बोल पाएंगे, हम और भी सारी ज़्यादा चीज़ें इसे क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट डिकोड इट फॉर यू. सेल्फ़ अवेयरनेस क्यों चाहिए? सेल्फ़ अवेयरनेस इसलिए चाहिए कि आप खुद को करेक्ट कर सको. आप खुद को कब करेक्ट करोगे? जब आप खुद को सुन पाओगे. आप खुद को कब सुन पाओगे? जब आप बोल पाओगे. लेकिन आप बोलते हुए खुद को कैसे देखोगे? मिरर के सामने. ठीक है, सो हम पहली टेक्निक जो यूज़ करते हैं यहाँ पे वो है हमारी मिरर टेक्निक. यहाँ हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम काफ़ी लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, राइट? हमें डर लगता है कि हमारे आसपास के लोग हमारा मजाक ना उड़ाए, या हमारे घर वाले हमारा मजाक ना उड़ाए, कई बार तो फ्रेंड्स भी हमारा मजाक उड़ाते हैं. तो आपका बेस्ट फ्रेंड आप खुद हैं. तो दिन में आपको 2 घंटे अपने साथ रूम में लॉक करके बिताना है, जहाँ पर आपने एक मिरर रखा हुआ है और आप खुद से बात कर सकते हैं, आप खुद को देख सकते हैं. सो इस टेक्निक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यू विल लाफ एट योर सेल्फ मेनी टाइम्स. आप अपनी स्माइल देखोगे, आपको अपनी गलतियों पे हंसी आएगी और आप धीरे धीरे करके सीखोगे. अब हम सेल्फ टीचिंग कैसे करें? सेल्फ टीचिंग ऐसे कि हम इसे प्लान कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि क्या क्या चीज़ें हमें आती है. यानी कि अगर हमारा ग्रामर वो अगर मिसिंग है तो हम अपने बेसिक ग्रामर को ठीक करेंगे. किस तरह से करेंगे? यूट्यूब के कुछ ग्रामर लेसन्स है, वो मैं लिंक कर दूंगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं. उसके बाद आती है हमारी प्रोनंसिएशन, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो एविएशन में बोली जाती हैं, हम उसे बोलना सीखेंगे. क्यों सीखेंगे? ताकि हमारी जो ज़बान है वो कन्वर्ट हो जाए, वो बोल पाए वो सारे भारी भरकम शब्द. उसके बाद आता है कि आपने अब जब ये दोनों चीज़ों को रख लिया है, अब इमेजिन कीजिए कि अब आप एक रोल प्ले क्रिएट करने वाले हैं. मैं ही इंटरव्यूअर हूँ और मैं ही इंटरव्यू देने भी आई हूँ. मैं ही खुद से सवाल पूछूंगी, फिर रुकूंगी और फिर खुद ही जवाब दूंगी. तो ये जो प्रोसेस है अकेले में जो हम करेंगे, ये हम एक रोल प्ले खुद के साथ करने वाले हैं. ठीक है, तो ये तीन चीज़ों को पहले तो दिमाग में लॉक कर दीजिए. मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, सेल्फ अवेयर कैसे होंगे आप? जब आपको पता होगा कि मैं सही और गलत किस तरह से बोल रही हूँ, कर रही हूँ. आप वेरीफाई कैसे करोगे? आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, यूट्यूब है. यू विल सिंपली सर्च, सी, कॉपी, मिरर में देख के दोबारा से बोलना है. ठीक है, उसके बाद में ये जो लास्ट वाली टेक्निक है, जो मैं कहूँगी कि बहुत ही बेस्ट टेक्निक है, जो शायद आज से पहले आई होती तो काफ़ी ज़्यादा लोग जल्दी बोलना सीखे होते, और मुझे नहीं पता कि लोग इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, बट दिस इज़ हाउ आई सी इट. आपको जाना है ChatGPT पर. जब आप ChatGPT पर जाओगे तो एक ध्यान में एक बात रखिए कि वो आज की डेट में आपका सबसे लॉयल फ्रेंड है, यानी जो आपको जज नहीं करेगा. आप जो सवाल पूछोगे वो आपको उसका सही सही जवाब देगा. तो कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैं आपके लिए लिंक्स में मेंशन कर दूंगी, जो आप जाके लिख सकते हैं, और जो भी रोल प्ले स्क्रिप्ट आपको मिलेगी आप उसे इनैक्ट कर सकते हैं. करना क्या है यहाँ पे? हमें AI को अपने लिए यूज़ करना है. अगर मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने कभी भी यूज़ ही नहीं किया ChatGPT, तो यहाँ से शुरू होगा. ये एक मशीन है, जिस तरह से आप गूगल पे सर्च करते हो, जिस तरह से यूट्यूब पे आपने इस वीडियो को सर्च किया है, उसी तरह से आप जाके सिंपली उसे एक कमांड दोगे, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन दोगे. हिंदी में कैसे कहते हैं उसे? कि कहोगे कि आप कहोगे सिंपली कि मुझे रोल प्ले करना है कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए, मुझे क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों दो. और उसको आप पहले तो रीड करना,
ठीक है, जो आंसर्स आएंगे उसे पहले खुद पढ़ना, क्वेश्चन और आंसर्स दोनों को। जब आप उसे पढ़ोगे, आप उसे समझने की कोशिश करोगे, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है आपके माइंड में कि कौन से सवाल का जवाब किस तरह से दिया जा रहा है। आप साइमल्टेनियसली अपना ग्रामर भी कर सकते हैं और अपने प्रोनंसिएशन के लिए आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हर दिन आप 2 घंटे इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए बिताएंगे, आई एम वेरी मच श्योर कि आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होगी। मैं ये नहीं बिल्कुल भी कहती लोगों को कि कोई इंस्टीट्यूशन उन्हें ज्वाइन करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल उनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू टेक क्लासेस, प्लीज़ गो अहेड डू इट, अगर वो आपको हेल्प करती है तो। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इंग्लिश सिर्फ आप बोलने से ही बेहतर होंगे। जैसे आप जब छोटे थे बचपन में, हिंदी आपने कैसे सीखी? आपके आसपास के लोग बोलते थे, आप उसे डेली सुनते थे, सुन सुनकर आपने बोलना शुरू किया। तो जितना ज़्यादा आप इंग्लिश सॉन्ग सुनेंगे, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश चीज़ें पढ़ेंगे, अब तो न्यूज़पेपर भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टाग्राम पर जाके कितनी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। ट्राई कीजिए कि आप न्यूज़लेटर्स पढ़ना शुरू करें, आप अपने ईमेल्स में जाएं, ईमेल्स को पढ़ें। और जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको बोलना है, गूगल पे जा कर के प्रोनंसिएशन चेक करना है। अब इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई है उसको एक नोट बनाकर लिख लीजिए, फ्रेम कीजिए कि आप पहले किस तरह से करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ आर होमवर्क। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, मिरर देख लेंगे कि ये वाला मिरर है या मेरी प्रैक्टिस होने वाली है। उसके बाद एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाऊंगी। इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि गूगल, यूट्यूब और चैट जीपीटी उसी में है, राइट? तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। लिख लो रोल प्ले, कैबिन क्रू, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई। अब जो क्वेश्चंस आपको चैट जीपीटी देने वाला है, उसे कई बार आप वेरिएशंस चेंज कर सकते हैं कि आपको ये पसंद नहीं आया, आपने दोबारा एक वेरिएशन ट्राई की, उसे लिख लो। उससे क्या होगा, आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसको भी लिख लो। अब जब जो लिख दिया है ना, उसे पढ़ के अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करो, मिरर में बोलते हुए रिकॉर्ड करो, देखो कि किस तरह से साउंड कर रहा है। जब आपने पूरा बोल दिया है, गूगल पे जाओ, प्रोनंसिएशंस वर्ड के चेक करो। अगर आपको कोई वर्ड नहीं बोलने आ रहा है, सिंपली गो एंड राइट पर्टिकुलर वर्ड। कि मान लीजिए आपको लैबोरेटरी बोलना है, तो आपने वो स्पेलिंग लिख दी, प्रोनंसिएशन उसके आगे लिख दिया और हियर यू गो। इस तरह से आप प्रैक्टिस शुरू कीजिए। आई कैन नॉट अश्योर यू कि आप बहुत जल्दी बोलना सीख जाएंगे, बट मैं ये कह सकती हूँ कि आप अपने से सीखेंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे। सो ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मुझे लगता है मुझे देनी थी आप लोगों को। और ये होमवर्क आपको ज़रूर करना है। इसमें आपको जो भी डाउट्स आएंगे, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन फील हो रहा होगा, तो डरिए मत, आपको सिर्फ शुरू करना है। जिस दिन आपने शुरू कर दिया बोलना, आई विल बी वेरी हैप्पी। इंटरव्यू को रखते हैं, वो हो जाएगा, आई कैन अश्योर यू दैट। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, करते रहिए कोशिश, मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।